नमस्कार, सभी का स्वागत है दरभंगा एयरपोर्ट से विशेष कवरेज। बता दें कि दरभंगा हवाई अड्डा बनेगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बताया 100 यात्रियों की अभी क्षमता को बढ़ाकर किया जाएगा 5000 यात्रियों की क्षमता का नया एयरपोर्ट। ओवर ब्रिज के साथ 4 दीवारी होगी ऊंची। 22 जिलों सहित पड़ोसी नेपाल के 6 लाख यात्रियों ने की अभी तक यात्रा। भारत का बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा दरभंगा। जिस तरह से यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, आइए विशेष कवरेज दिखाते हैं। भारत समाचार को लगातार सभी लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि सभी न्यूज अपडेट मिलता रहे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर जब से सांसद बने तब से वो एयरपोर्ट एम्स के लिए लगे हुए हैं और एम्स की बारी है, आधी काम हो चुकी है। एम्स को लेकर भी बता दें कि ड्रोन से फोटो शूट हुई है और वीडियो बनाया गया है उस जमीन का जहाँ पर एम्स बनेगा। तो लगातार बता सकते हैं कि एम्स की तैयारी भी चल रही है। उसमें एक निश्चित रूप से दरभंगा एयरपोर्ट का भी सपना था उनका, और उड़ान योजना 17 में उन्होंने लागू किया और देश के 78 जगहों को उड़ान योजना से जोड़ा गया एयरपोर्टों को, जिसमें एक एयरपोर्ट सफलतम एयरपोर्ट आज के तिथि में दरभंगा एयरपोर्ट शामिल है। 8 नवंबर 2020 में दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा एयरपोर्ट से बेंगलुरु, दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई, दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता, दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद, दरभंगा एयरपोर्ट से पुणे, अनेक जगहों के लिए स्पाइसजेट और इंडिगो दोनों यहां से सेवा दी गई। और यह जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा, उत्तर बिहार का 22 जिला, यानी हम निश्चित रूप से आपको कहना चाहेंगे जो 8 करोड़ आबादी जो उत्तर बिहार की है, वह आज इस एयरपोर्ट से सफलतम अपना दूरी समय सीमा पर तय कर रहे हैं। और यहाँ तत्कालीन जब मंत्री थे माननीय हरदीप सिंह पुरी, विभाग के मंत्री, उनको हम यहाँ पर लाने का काम किया और यहाँ से हमने घोषणा करवा करके और 8 नवंबर से प्रारंभ किया। तब से आज तक में नेपाल से भी तो आ रहे हैं बहुत, कुल मिला करके 6 लाख लगभग लोग अभी उड़ान भर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था हवाई चप्पल पहन के मिथिला के लोग हवाई सेवा करें। आज मिथिला तो हवाई चप्पल पहन के हवाई सेवा कर ही रहे हैं, बगल में नेपाल जो हमारे पड़ोसी देश है वहाँ से भी लोग इसका लाभ दरभंगा एयरपोर्ट का उठा रहे हैं। हमने तो मांग किया है दरभंगा एयरपोर्ट का विकास बहुत कुछ होना है।